हमारे लड़का को, दो लड़का के एक साथ में जेल में लोग, दुश्मन ने, शैतान ने हमको रखवा दिया। तो 5 बरस तक हर जगह घूमते रह गए, ये देवी के होता, वो देवी के, कहाँ कहाँ घूम गए, क्या क्या चीज नहीं मान दिए हम अपना। एक मेदनापुर में होता है भैंसा चढ़ता है, वहां वो देवी हलाखन देवी, वहां भी हम मान गया तुमको भैंसा चढ़वाऊंगा। 2 बार गया, खांसी के तो तुम्हारा जोड़ा लगा देंगे, लेकिन कोई सुनवा नहीं हुआ। जब हम परमेश्वर से जुटे तब उसी समय उसको वहां दिन उतरा, तो भी हम परमेश्वर से प्रार्थना किए, हे पिता तू महान है, टूटे हुए घर के जोड़ने वाला तू है, लेकिन घर कभी तोड़ना मत। तो हम, वो लोग हालेलुया बोलता था, हम क्या बोलते थे, ला रुपया परमेश्वर से हम मजाक तो उड़ा दिए, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा काम किया तो खेत भी लिखा गया, उसके साथ में इतना आशीष किया, जो बैंक में पैसा थोड़ा बहुत रुका था वो भी धरा धरा आने लगा, फिर बेटा को भी बेल हो गया, वो भी बेटा दोनों चलाया। जय मसीह की, हालेलुया। और हमारा एक गवाही है, तो परमेश्वर को तो पहले हम नहीं जानते थे, और एक बार ऐसा हुआ था, सो बम्बई में हम थे और 10 आदमी काम नहीं था, तो बोला से चलो ना बोलो एक जगह चले के है, लेकिन ये नहीं बताया से हमारा सत्संग में चलना है। अब यहाँ से हम तो चले गए, बोले चलो 50-50 रुपया देगा तुम लोग का दारू उरू पीने के लिए। तो हम बोला ना चलो बैठ के क्या करेगा, चाय या दारू का दाम तो हो जाएगा, सस्ती था वही 20 रुपया बोतल मिलता था, बोला चल चिखनो होता वो होता। अब वहां चले गए तो बहुत स्वागत रखा था, कुर्सी रखा था सब तरह, हम लोग बैठे और वहां देख रहा हूँ वही फास्टर अपना लीडर लोग बैठ के और अपना वचन सुना रहे थे, हालेलुया करते थे। तो हम, वो लोग हालेलुया बोलता था, हम क्या बोलते थे, ला रुपया परमेश्वर से हम मजाक तो उड़ा दिए, लेकिन इसके बाद क्या हमारे हुआ से परमेश्वर ने शायद उसी समय हमको चुन लिए, आज न कल हम इसको अपना बेटा बनाएंगे। और उसके बाद क्या है, कम से कम होने के बाद 8-10 साल की 15 साल के बाद में हमारे लड़का को, दो लड़का के एक साथ में जेल में लोग, दुश्मन ने, शैतान ने हमको रखवा दिया। तो 5 बरस तक हर जगह घूमते रह गए, ये देवी के होता, वो देवी के, कहाँ कहाँ घूम गए, क्या क्या चीज नहीं मान दिए हम अपना। एक मेदनापुर में होता है भैंसा चढ़ता है, वहां वो देवी हलाखन देवी, वहां भी हम मान गया तुमको भैंसा चढ़वाऊंगा। 2 बार गया, खांसी के तो तुम्हारा जोड़ा लगा देंगे, लेकिन कोई सुनवा नहीं हुआ। उसके बाद बहुत दिन के बाद ऐसा ही अपना रजिया दीदी की जगह, ये भी नया नया उद्घाटन की थी, तो परमेश्वर को बोलू काम होता है, तो हमारे पत्नी को शायद आई तो बोला से हे चाची से आप परमेश्वर की राह में चलेगा ना, पिता परमेश्वर उस समय लोग बोलते थे, और उसमें जब लिएगा ना तो आपको बेटा निकल आएगा। अब इसको तो लगा एकदम, हाँ जल से पिता परमेश्वर चलिएगा तो आपको बेटा जल से निकल आएगा। तो ये बहुत खुशी के मारे फोन किया, एक बार बोलता है से कहाँ काम पर हती कथी, हम बोले सर हाँ काम पर हती, तो हम बोले कोई बात ज्यादा है क्या, तो बोलता है ना कुछ बात ना है। तो फिर शाम के फोन की तो बोले हे बोलो पिता परमेश्वर को जन हम कहे जन तो हती यीशु मसीह को जन हम जन तो हम तो बहुत पहले हम जन तो ऐसे ऐसे कहल ठीक है तुम्हारा विश्वास है तुम जाओ और परमेश्वर सच जिंदा है। बोले ठीक है, हम बोले बाइबल कहाँ मिलेगा, एक हमारे जगह राम भरोसे सही कलश हो बाइबल मिलो छो फलना जगह जा। और हमारा ऐसा भूख प्यासा था वहां गए तो सचमुच जाते 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 समझिए इतना आया, गंज बाजार जो आया ना उससे बेसी दूर था, तो पैदल चले गए वहां से गए तो सचमुच दुकान मिला बाइबल बहुत बड़ा। तो उस समय बाइबल हम सस्ते में लाए हुए थे, फिर वो ले लिए तो रात भर पढ़ने लगे, रात को 12-1 बजे तक पढ़ते थे तो भी नींद नहीं आता था। परमेश्वर इतना विश्वास हो गया
और उसके बाद घर पर आया तो वो भी बाइबल छोड़ दिए और दूसरा खरीद लिए। तो हमारे पत्नी भी विश्वास, फिर बाद में 2 साल तक परमेश्वर ने हमारा कुछ काम नहीं किए, लेकिन हमारा पत्नी बोलता है सब कह परमेश्वर ये कह दी वो कह दी तो जा हम न करबे, हम कह लिए काम करो भले तू छोड़ दो लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि परमेश्वर के वचन में सच्चाई जान लिया हूँ क्या हूँ, लेकिन परमेश्वर किसी का कौर खौक नहीं है, प्रार्थना करता हूँ तो आज न कल हमारा देंगे। फिर बाद में वही प्रार्थना करता था जो हमारा पुतो था, वो भी जाकर दूसरे शादी कर लिया, अब तो भी इसका दिल में था हमारा वही बेटा है तो वही पुतो आना चाहिए। और हम भी ऐसा ही प्रार्थना करते गए, यहाँ से वहां भी जाते थे बरोबर संडे को संडे, यहाँ भी हमारा कभी मन कच्चा नहीं हुआ, परमेश्वर में और बढ़ते गए। और यही समय जो है ना 2017 से हम इसमें जुड़े हुए हैं, 2017 से हमारा बेटा जेल में गया 2013 में, तो 13, 14, 15, 16, 17 5 वर्ष तक हमारा पुतो शादी नहीं किया था, 5 वर्ष भी रुक गया। जब हम परमेश्वर से जुड़ते तब उसी समय उसको वहां दिन उतरा, तो भी हम परमेश्वर से प्रार्थना किए, हे पिता तुम महान है, टूटे हुए घर के जोड़ने वाला तू है, लेकिन घर कभी तोड़ना मत। एक दुश्मन ऐसा ही कोई खेत लेने वाला था तो उसे तारा ऊपरी किया था, परमेश्वर ने ऐसा काम किया और बेटा को शादी किए, घर बनाए, फिर बेटे को शादी किए, 2-3 साल के अंदर में। तो परमेश्वर पर जो विश्वास करता है ना, तो परमेश्वर क्या है वो आशीष ही करता है, आनंदित करता है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर की, तो जितने मसीह जन है तो जैसे हमारे ईसा परमेश्वर विश्वास करे और आशीष पाए। और हर समय हर दिन यही बताता हूँ, कहीं जाओ और वचन सुनते हो तो हृदय में लिखो और जाके किसी को और सीखो और सिखाने का काम करो। हालेलुया। प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे फोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।